हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा 2020। आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव से। सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो आती है इसकी माइलेज की। मैं बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, मैं बात करूं 18.76 की एमपीएल तक की मिल जाती है इस विटारा ब्रेजा में। बाकी की मैं बात करूं तो वेन्यू में आपको देखने को मिल रही है 18.15 की एमपीएल की, WRV में 17.5 की एमपीएल की, नेक्सॉन में 17 की एमपीएल की, साथ ही साथ एकोस्पोर्ट की मैं बात करूं तो 14.8 की एमपीएल तक की मिल जाया करती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आते हैं इंजन के बारे में। इसमें देखा जाए तो आपको फेस शिफ्ट में आपको बताएगी तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, BS6 का इंजन मिलता है। देखा जाए तो BS6 इंजन की हमें बात करूं तो देखा जाए तो रिफाइंड मिलेगा, देखा जाए तो आपको साइलेंट मिलेगा, डीजल वाले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी है। पिकअप भी इसका ठीक ठाक है, ऐसा हम नहीं कह सकते ज़्यादा अच्छा है। देखा तो 4 सिलेंडर मिलेगा, बाकी में अब देखेंगे तो 3 सिलेंडर दिया जाएगा, तो काफ़ी देखा जाए तो थोड़ी बात है उसमें भी। 4 सिलेंडर में थोड़ी नेक्स्ट लेवल की बात होती है। डिस्प्लेसमेंट 1462 cc का है, मैक्सिमम पावर जनरेट करते 103.2 BHP की, टॉर्क जनरेट करते 138 Nm का। देखा जाए तो इसकी जो 0 to 100 स्पीड देखा 13.3 सेकेंड है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो इसके अंदर आपको पहले वाले इंजन के हिसाब से आपको ज़्यादा पिकअप नहीं मिलता, क्योंकि पहले देखा जाए तो डीजल का था, डीजल के हिसाब से कंपेयर करें तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, पर देखा जाए तो तब भी अच्छा है। पर औरों के हिसाब से कॉम्पिटिटर से आप कम्पीट करते हो थोड़ा सा आपको वीक लैग थोड़ा मिलेगा। अगर आप स्पोर्टी लुक चाहते हो, एकदम से एक्सेलरेट देना चाहते हो, वो इसमें आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स। थर्ड पॉइंट आता है इसके फीचर्स के बारे में। इस फीचर्स की अगर मैं बात करूँ देखा जाए तो पहला फीचर DRL मिलेंगे एंड प्रोजेक्ट हेडलैम्प मिलेंगे। देखा जाए तो DRL तो मिल ही जाते हैं लगभग, पर प्रोजेक्ट हेडलैम्प किसी किसी में अभी आपको प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो 60-40 स्प्लिट रियर स्पीड मिल जाती, सीट मिल जाती है। देखा जाए तो बूट स्पेस के लिए काफ़ी अच्छी, कोई कोई में अभी भी नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है। रियर हेडरेस्ट देखा जाए तो आपको एडजस्टेबल मिलता है, साथ ही साथ देखा जाए तो कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलने लग गया इसके अंदर। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, पर किसी में अभी भी नहीं मिल रहे हैं आपको। रियर कप होल्डर मिलने लगा रियर पैसेंजर्स के लिए, साथ ही साथ देखा जाए 12 वोल्ट का SSC सॉकेट मिलता है, अभी भी कईयों में नहीं मिलते हैं ये चीज़। साथ ही इसमें IRVM मैंने लगा जो देखा जाए तो नाइट विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फोर्थ फीचर आता है इसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। इसकी आफ्टर सेल सर्विस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मारुति की गाड़ी है तो अच्छी होना तो जायज़ है। देखा जाए तो इसके आपको पार्ट्स भी बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाया करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप सिटी में रह रहे हैं या आप कहीं गाँव जैसे एरिया में रह रहे हैं तो आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी पार्ट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू की बहुत अच्छी है, देखा जाए तो मारुति का प्रोडक्ट है तो सीधी सी बात है आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ही गाड़ी लेना चाहते हैं, जैसे 2-3 साल के लिए बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये गाड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी बेचने में, काफ़ी ईजिली आपको बिक जाया करेगी गाड़ी आपके लिए। चलिए इसका पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है इसके फीचर्स से। शुरुआत करते हैं हम Hyundai Venue से। Hyundai Venue की अगर हम बात करें, सबसे पहला फीचर्स मिलेगा इसमें सनरूफ, जो आपको विटारा ब्रेजा में नहीं मिलता है। दूसरा फीचर मैं बात करूँ तो रेयर AC वेंट्स मिलते हैं रेस पैसेंजर के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। वायरलेस चार्जिंग मिलती है, Hyundai सबों में पकड़ाते हैं, इसमें भी पकड़ाई गई, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ एयर प्योरीफायर मिलता है, ब्लू लिंक जैसी कनेक्टिविटी मिलती है, RVM में लगा मिलेगा, साथ ही साथ फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की मैं बात करूँ तो आती महिंद्रा TUV 300 की फीचर्स के बारे में। फर्स्ट इन सेगमेंट देखा जाए तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, फ्रंट बम्पर में आपको लगे लगे मिलेंगे, साथ ही साथ आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स का एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें देखेंगे हीटेड ORVM जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट गाड़ी की मैं बात करूँ तो आती टाटा की नेक्सॉन। देखा जाए तो इस फीचर्स को मैं कंपेयर करूँ तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, देखा जाए तो आपको उसी में ही पियानो फिनिश भी देखने में मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ 3 मोड्स मिलते हैं ड्राइविंग के, जैसे इको, सिटी, स्पोर्ट्स जैसे 4 आपको मिलते हैं। साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्रेजा में दूर दूर तक भी नहीं है, टॉप एंड वेरियंट में भी नहीं मिलता है। देखा जाए तो नेक्स्ट जेड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलते हैं, फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो, AC ऑन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फीचर यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ सनरूफ भी मिलती है इसमें, और अम्ब्रेला होल्डर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ 8 स्पीकर आपको मिलते हैं विथ हारमन। हारमन देखें तो ब्रेजा में पकड़ाया गया, पर उसमें आपको 8 स्पीकर नहीं मिलते हैं।
नेक्स्ट गाड़ी की मैं बात करूँ तो आती फोर्ड की इको स्पोर्ट। इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको, पेडल शिफ्टर मिल जाता है, पेडल शिफ्टर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑफर किया जा रहा है, पेडल लैंप्स मिल जाते हैं। पेडल लैंप देखा था अभी क्रेटा में भी हाल ही में लॉन्च करे गए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पेडल लैंप। इस सेगमेंट में आपको ब्रेजा में ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है। नेक्स्ट गाड़ी आती है होंडा की WRV। WRV में आपको देखा जाए डिजिटल AC कंट्रोल मिलता है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल डिजिटल ही है, कोई आपको वैसा टच नहीं करने की। वैसे ब्रेजा में आपको डिजिटली मिलता है पर ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, औरों के हिसाब से देखूँ तो बेस्ट लगता है मेरी तरफ से देखा जाए। आपको इसके अंदर सनरूफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आते हैं इसके प्राइजेस के बारे में। प्राइजेस में बात करूँ 7.34 से लेके 11.4 लाख तक का मिल जाया करता है। अगर देखा जाए तो थोड़ा कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, देखा जाए तो या उसके सिमिलर मिलेगा या तो उससे ज़्यादा मिलेगा। देखा जाए तो आपको इतने कम फीचर्स प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी काफ़ी प्राइस हाई है इसका देखा जाए तो। देखेंगे आप और मैं कंपेयर आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी हाई है इसका प्राइस आप कंपेयर करते हैं और गाड़ियों से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। हाँ भले ही आपको देखा जाए तो इसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पार्ट्स, एसेसरी पार्ट्स, सब कुछ देखा जाए तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सर्विस सेंटर बहुत आसानी से मिलता है। पर देखा जाए तो औरों के हिसाब से अगर इसे कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है इसका प्राइस देखा जाए तो, आप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको हाई प्राइस मिलता है, तो इससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी ये चीज़। चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी से। सेफ्टी में सबसे पहले बात कर लेते हैं विटार ब्रेजा से। विटार ब्रेजा में आपको 4 स्टार मिलते हैं देखा जाए तो। क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP की तरफ से करवाया गया था, EBS EBD आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, ड्यूल एयरबैग आपको मिला करेगा, साथ ही साथ हिल्ड होल्ड असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलेंगे, या आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा। नेक्स्ट गाड़ी आती है आपकी ह्युंडई की वेन्यू, जिसके अंदर देखा जाए तो आपको 4 स्टार मिलते हैं देखा जाए तो क्रैश टेस्ट में। ऑस्ट्रेलियन की तरफ से क्रैश टेस्ट करवाया गया था, साथ ही साथ आपको हेडलाइट एस्कॉर्ट फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग मिलते हैं आपको देखा जाए तो, रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस मिलती है, IRVM मिलते हैं नाइट विजन के लिए जिसमें ब्लूलिंक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको लगे लगाए मिलेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट गाड़ी आती है टाटा नेक्सॉन में, जिसमें आपको 5 स्टार ग्लोबल NCAP की तरफ से मिलते हैं। फर्स्ट ही गाड़ी थी जिसके अंदर आपको 5 स्टार मिलते थे, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मिलते, साथ ही साथ ABS CVD आपको पहले ही जो ब्रेजा में थे वैसे ही आपको इसमें भी मिला करेंगे। नेक्स्ट आती है देखा जाए तो आपकी नेक्स्ट आएगी आपकी फोर्ड की इको स्पोर्ट। फोर्ड की इको स्पोर्ट में आपको सेफ क्लच स्टार्ट, हाई स्पीड वार्निंग, फोर्ड माइकी, 6 एयरबैग जैसे साइड कर्टेन में भी मिलेंगे, इमरजेंसी असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेक, फ्लैश लाइट, ये वाला फीचर काफ़ी यूजफुल है। देखा जाता जैसे इमरजेंसी ब्रेक लाएंगे तो रेयर वाली लाइट होकर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, रेयर ब्रेक, फ्लैश लाइट मैंने बात की थी, अप्रोच लाइट एंड होम सेफ हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे, IRVM मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले आपको। नेक्स्ट गाड़ी आती है महिंद्रा की TUV 300। इसमें आपको देखा जाए तो 5 स्टार ग्लोबल NCAP की तरफ से पकड़ाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर मिलेंगे जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले होंगे, ब्रेक एनर्जी रिग्रेशन टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलेंगे, साइड इंस्ट्रक्शन बीम मिलेगी, साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आती है होंडा की WRV, जिसके अंदर आपको EBS इन चीज़ों को हटा के देखा जाए तो हॉर्न टाइप ड्यूल मिलेगा, की ऑफ रिमाइंडर मिलेगा, इंटेलिजेंट पेडल जैसे फीचर्स आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया सब पॉइंट्स इसके पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इस हिसाब से डिटरमाइन कर ही लिया होगा कि आपको कौन सा ठीक है इसको लेना चाहिए या नहीं। पर अगर मेरी मानी जाए तो इस गाड़ी को आपको देखा जाए तो थोड़ा आपको किसी और पे भी रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ना तो ज़्यादा इतने फीचर्स मिलते हैं, ना तो ज़्यादा आपको इसके अंदर आपको सर्विस थोड़ी आपको मिलती है ठीक। देखा जाए तो अगर आप आपका एक बजट ठीक है, आप ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा, और आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात आपको ज़्यादा प्लान नहीं है कि ज़्यादा टाइम रखना है गाड़ी को, और बेसिक फीचर्स देखा जाए तो विटार ब्रेजा में आपको सभी मिलते हैं सेफ्टी से लेकर फीचर्स तक, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। देखा जाए तो आपको ठीक फीचर मिलते हैं। दूसरी बात ये कि मारुति का आपको सर्विस स्टेशन मिल रहा है, जो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी आप बताइए कि आपको कमेंट में कैसी लगी है गाड़ी, ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड के साथ।